आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। राशन डीलर का काला करतूत। राशन डीलर द्वारा एक माह का राशन हड़पने, ग्रामीणों ने की शिकायत जिला प्रशासन से। प्रखंड प्रशासन के मिली भगत से किया गया कारनामा, जिला प्रशासन से न्याय की गुहार। गुमला जिला में इन दिनों राशन डीलर की मनमानी और धमकाने का सिलसिला जारी है। एक ओर केंद्र और राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस जैसे बीमारी संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। इस दौरान गरीब निसहाय लोगों को खाद्य सामग्री भी मुहैया कराई है, लेकिन राशन डीलर की मनमानी के कारण आज भी लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। वहीं प्रखंड व जिला के अधिकारी पंचायत स्तर पर बने कमेटी का हवाला देकर निकलते बनते हैं, वहीं गरीब लोग बेचारा ही नजर आते हैं। गरीब किसान लोग अपनी गरीबी को कोसने के लिए मजबूर हैं। सवाल यह भी है कि ग्रामीण को काम नहीं मिलने से बेबस हैं। आक्रोश है, ग्रामीण गोलबंद होकर आंदोलन करने के मूड में है। मामला गुमला जिले के सिसई प्रखंड के पंडरिया पंचायत के सोगरा गांव का यह पूरा मामला है। सोगरा गांव आज भी राशन डीलर सूर्य महिला मंडल संगीता देवी के आतंक से सहमे हैं, जहां गरीबों को राशन डीलर के द्वारा खाद्य सामग्री नहीं दी जाती, राशन मांगने पर डीलर के द्वारा धमकी भी दी जाती है, जिससे गरीब बेबस होकर डीलर की जुल्म सहने को मजबूर हैं। लेकिन किसी प्रखंड व जिला के अधिकारी ने अब तक सुध नहीं ली है। गरीबों की फरियाद तस्वीर में देख सकते हैं। हमारे 10 गो आदमी है। अच्छा, तहाँ 30 किलो मिले और कभी मिले 35 किलो, कभी मिले 40 किलो और चढ़ाए 50 किलो। तो कर में हस्तक्षेप नहीं करा ला कि कल तो हमरे के काटे कर ऑर्डर हो है। हमरे ऊपर से आ है आदेश, हमरे काटबे कर। और का बोले ला तो जा एमओ जे कहेला। तो अब हमरे एमओ जगन मोए कल जामू हल काम घटी। तोरे का चाहा था? हमरे चाहिल कि 50 किलो मिले चाही, हर महीना उतने चाहिला। का नाम है के तो? कंगना साहू। तब कब से नहीं मिले राशन? 11 महीना कार्ड लुकाए रहे। हाँ। उकरो नहीं मिले। हाँ। अब 7 महीना नहीं मिले। हाँ। और एखन तो मई तक चढ़ा है, कब तक तो के नहीं मिले? नहीं मिले 11 महीना कर और 7 महीना कर। से सब के चढ़ाए दे है। तो इकर में नहीं बोल ले उके? बोलन तो उ कहल कि मोके शुरू दे ला कार्ड देलक नी कंप्यूटर बेरा। हाँ। से एखन कहलक कि अथी ना काट कहलो 28-30 किलो ने और 2 किलो काटिए ले लग। अबरी भेर अबरी दे है 7 महीना कर बाद में 30 किलो बस। बता दें कि कोरोना वायरस जैसे जानलेवा घातक संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान सरकार ने अतिरिक्त खाद्य सामग्री देने का आदेश भी किया है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है या नहीं है, सभी को समान रूप से खाद्य सामग्री दिया जाना है। ग्रामीण लॉकडाउन के कारण किसी का मजदूरी भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे में राशन डीलर अपनी दादागिरी पर उतर आए हैं और एक माह का राशन हड़प लिए हैं और ग्रामीणों को बोलते हैं कि जाओ जहां भी जाओ मेरा ऊपर तक पहुंच है, कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आखिरकार जिसके बाद ग्रामीण बेबस व मायूस होकर लौट जाते हैं। वहीं पेट की आग मिटाने की कोशिश में मीडिया से बात करते मीडिया को बुलाकर डीलर का काला करतूत का उजागर के लिए मीडिया से अनुरोध किया है। जब मीडिया सोगरा गांव पहुंचकर राशन डीलर से बात की तो राशन डीलर जबरन लाभुक के हिस्से का अनाज भी काट लिया और महीने भर का आया हुआ राशन भी लोगों को नहीं देकर बाजार में ऊंचे और महंगे दामों पर बेच दी जाती है। इस बीच कोई गरीब लोग डीलर के विरुद्ध आवाज भी उठाया जाता है तो डीलर की दबंगई से गरीबों का आवाज बंद भी किया जाता है। आज सोगरा गांव में कुल 100 घर ऐसे हैं जिसमें परिवारों की संख्या लगभग 400 के करीब है, जो डीलर की दबंगी के कारण लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। मार्च और अप्रैल कर दे है काई राशन और मई महीना कर नहीं दे है और कार्ड में चघा है और हमरे के 40 किलो मिले खा से जगह ने 35 किलो मिलत है।
तो तोहरे नहीं कुछ बोला ला। हमरे बोली ला था कहन के हमरे के काटे कर आदेश है। कहाँ आदेश है? के ऊपर से आदेश दे है लेथी लिस्ट के बताए दे थी कहे ना तो बताओ कह के कही लालू बताबे नहीं करेला नहीं तो जा ऊपर जा कह के कहेला एमओ जे जा नहीं तो वीडियो जे जा कह के कहेला। तो तोहरे मतलब कभी शिकायत नहीं करला के एमओ और वीडियो के पास फोन करके पूछिल हल देख कर आदेश है कह के कहलू फोन करवाए के पूछल तले तल बाद नहीं ने थी घुस दे के गिन पार कर देते खाई के और फिर कैले गाड़ी चाउर भी जा है कहाँ हाँ कहाँ जा है पिकअप ने अब कहाँ ले गया तब लेकिन देख लिए लेकिन एक आदमी ने टिकट पा रहा मतलब ब्लैक कर ले हाँ, ब्लैक कर ले तो आप तोरे का चाहा था हमरे तो कहा थी दो गो डीलर चाहिए हाँ नहीं तो हटाई चाहती थी आप दूसरा डीलर चाहिए का नाम है कितोर कलशपति देवी हमारे गांव सुगड़ा में 400 कार्ड धारी हैं ऊपर में से देवल फिर आधा कार्ड ले लो और सही ढंग से राशन नहीं मिलेगा जी की सबके परेशान नहीं होगा और हम इनकर गांव सुगड़ा में ये कार्ड धारी से संभाल नहीं कर इसके लिए दो कर डीलर का जरूरी है और आगे से बोले कि बोलने हमें बोले तो हम ऊपर से झगड़ा करने लगेगा कि आगे से काटे कर आदेश है ऐसा कह के हमें के बोले झगड़ा भी करे ला नहीं तो फिर जाके तो शिकायत करना जो करना है कि दब ऐसा बोले डीलर हम इनका छोड़ा कर डीलर का नाम से डीलर है सूर्या महिना मंडल अध्यक्ष संगीता देवी का नाम है तो रामकेशर महतो। जब हम सोगरा गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने राशन डीलर का करतूत को बताया और सुनकर दंग रह गए और राशन डीलर को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कम राशन देने के बारे में बोली कि प्रखंड से कम राशन मिलता है जिसके चलते 5 किलो काटने की बात स्वीकार किया। वहीं मई माह का राशन के बारे में दे देने बात कही लेकिन पूरे ग्रामीणों ने एक ही स्वर में बोले कि मई माह का राशन नहीं दिया है और राशन कार्ड में एंट्री कर दिया गया है। इधर लाभुक ने मीडिया से बात कर मीडिया को आप बीती बताया कि राशन डीलर अनाज भी नहीं देता है अभी 2 महीने का राशन नहीं दिया गया है और देता भी है तो मनमाना तौर पर अनाज काट लेता है। जब इसका विरोध करते हैं तो गाली गलौज मारपीट करने पर उतारू हो जाता है और राशन नहीं देने की धमकी भी देता है और कहता है कि जो करना है कर लो जहां भी जाना है चले जाओ। वितरण किए हैं अप्रैल कमाई का लोगों का शिकायत है कि जिसका 35 किलो है उसका 32 किलो 30 किलो दे रहे हैं और दूसरी बात ये भी है कि मई तक का किसी को नहीं दिए हैं और कार्ड में चढ़ा दिए क्या बात है। मई का हम वितरण कर चुके हैं पूछिए लाभुक लोग से लेकिन लाभुक लोग झूठ बोलेगा बुला के लाइए एक दो का आदमी लोग सच मार्च अप्रैल का आप दिए हैं लोग बोल रहा है और मई तक का चढ़ा है क्या कारण है। हम लोग तो सब माह का राशन दिए हैं मकीम भैया बोला कि दे देना सब माह का धाम से ही कम मिलता है हमको गोदाम से कम मिलता था सामान तो जिसके चलते लाभु को मतलब 2 किलो काटते दो किलो पहले काट देता था 2 महीना से सही दिए हैं अगर गोदाम से सही मिला हाँ, सही मिला तो ये नहीं बोलते हैं कि अगर लाभुक हमसे लड़ाई करता है बोलते हैं जिला तक पहुंच गए थे हम डीएसओ यहाँ हाँ। तो डीएसओ यहाँ बोलता है जितना फिंगर है वहाँ मेरा आँखी में जाएगा उतने ही हम देंगे हाँ। सामान बस उतने ही। क्या नाम है मेरा हाँ? संगीता देवी दुकान का सूर्या महिला मंडल कहाँ सूर्या महिला मंडल कहाँ सोगड़ा। तो आप क्या हैं हम सचिव हैं किरण देवी सचिव हैं हाँ। तो गांव का पूरे आरोप है कि मार्च और अप्रैल का दिया है मई का चढ़ा दिया है क्या बात है हाँ? मार्च और अप्रैल का दिया है और अप्रैल का अति मई का चढ़ा दिया है क्या मतलब क्या 2 महीना मार्च में बांटे हैं अथी से कंप्यूटर से हाँ। और 2 महीना में किया कि अथी रजिस्टर से बांटो हाँ। 2 महीना का दिया राशन। अच्छा एक चीज बताइए 300 लाभुक है यहाँ हाँ। तो 300 में मतलब 250 लोग झूठ बोलेगा और सबको राशन सही दिए हैं नहीं सबको ही बोल रहा है कि मतलब 2 माह का मिला है और मई का चढ़ा दिया है मतलब लाभुक का कहना है हाँ। राशन तो मिला है नहीं तो 1 महीना का नहीं मिला चढ़ गया है सब राशन मिला है सब राशन मिला है हैं मकीम भेजा है राशन 3 महीना का राशन उस दिन धान दिया था भैया ना 4 बजे अकाल काल बिहाने धान दिया है यहाँ से एगो सीसई का कार्ड ठहरी है वो चावल अपना चावल के लेके गया है। अच्छा पहले
कार्डधारी बोलता है कि 2 किलो 3 किलो 5 किलो काटता है, क्या मतलब सच्चाई क्या है? सच्चाई हम लोग का, हमने चावल 7 क्विंटल काटा है। 7 क्विंटल हाँ, काटता हाँ, है 7 क्विंटल जिसके चलते आप 2 किलो 3 किलो कम देते हैं। हाँ, हाँ, है? हाँ, क्या हमने 7 किलो काटा है और उन्हें बोला कि 2 किलो 1 किलो। इस मामले को लेकर प्रखंड के एमओ भीमराव उराव व जिले के आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल से बातचीत कर ज्ञापन सौंप कर डीलर के विरुद्ध गुहार लगाई है। इस संबंध में अरविंद कुमार लाल ने लाभुकों को कहा कि पंचायत स्तर पर कमेटी बनाई गई है, पहले पंचायत के मुखिया से बात करें, इस मामले में जरूरी निर्देश कमेटी को दिया जाने की बात कहकर अधिकारी पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि पदाधिकारी व राशन डीलर की मिली भगत के कारण आम ग्रामीण भूखे मरने की कगार पर है। अगर कार्डधारियों का अगर कोई कंप्लेन मिलेगा तो जांच होगी, अगर जांच में सही पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। कल पूरे ग्रामीण एकजुट हुए थे और सभी लोगों ने राशन दुकान के पास समीप मतलब बोला कि नहीं दिया गया है और उसमें माई का चढ़ा दिया, तो इस पर आप क्या करेंगे? जांच होगी, जांच के बाद करवाई सर, जांच के बाद नहीं करवाते सर। गाँव का मामला आया है, 1 महीना का राशन डीलर द्वारा नहीं देने और कार्ड में अंकित कर दिया है, ऐसे सभी मामलों के जांच चल रहे हैं और हम लोग अभी पहले निगरानी समिति से अब रिपोर्ट लेंगे। जब सर जगह निगरानी समिति गठित है तो वो क्या दिख रहा है वहाँ पर, अगर सही पाया जाए निगरानी समिति को कार्रवाई होगी, लेकिन पहले निगरानी समिति अपना कार्य करेगा वहाँ पर, उनके बाद ही हम लोग को एक्शन लेंगे। बहरहाल जो भी हो, अब कहना यह गलत नहीं होगा कि सरकार के निर्देशों के बावजूद भी डीलर की मनमानी इस बात को बयां कर रही है। आखिर किसके सह पर गरीबों को शोषण किया जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या अधिकारी की भी मिलीभगत है? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं किस कदर मिलीभगत की जा रही है। समय रहते सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं भूख मिटाने से पहले ही मौत को गले लगाने को मजबूर हो जाएंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।